हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पेज मेकर में प्लेस और लिंक्स मैनेजर के बारे में। प्लेस का काम क्या होता है? अगर आपको कोई इंसर्ट करनी है इमेज, तो आप प्लेस पर क्लिक करते हो और यहाँ आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करते हो। अब यहाँ मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे अपनी इमेज को रखा हुआ है ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। आपकी जिस डायरेक्टरी में होगी या जिस ड्राइव में होगी, आप वहाँ से जा करके इमेज पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपकी इमेज के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दो तरीका है आपके पास, या तो आप सिंपल क्लिक कर दीजिए या फिर उसको जो है आप इस तरीके से ड्रैग करके जितना बड़ा चाहते हो उतनी बड़ी एक्सटेंड कर लीजिए। अब यहाँ पर आपकी इमेज अभी क्लियर आ रही है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि प्रेफरेंसेस के अंदर, जनरल के अंदर, यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड लगा होता है जिससे आपकी इमेज जो है वो ब्लर या फटी हुई आती है। आपको इस इमेज को अगर सही करना होता तो जैसे पहले अभी लगा हुआ था जनरल पे, आपको हाई रेजोल्यूशन पर क्लिक करके ओके करना पड़ेगा ताकि इमेज आपकी क्लियर होकर के स्क्रीन पर आ जाए। अगर इमेज ऑलरेडी ख़राब है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेज आपकी अच्छी होगी तो जितनी भी क्लैरिटी उसकी होगी उस हिसाब से इमेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये काम तो था प्लेस का। अब आते हैं लिंक्स मैनेजर पे। लिंक्स मैनेजर का काम क्या होता है, जो हमने इमेज इंसर्ट कराई है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम इन्फो पे क्लिक करते हैं, यानी कि वो इमेज कहाँ से आई है। तो जैसे ही आप इन्फो पे क्लिक करेंगे वो आपको शो कर देगा कि इमेज आपकी किस जगह से आई है, किस डायरेक्टरी से आई है। फिर यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है कि अगर हम ओरिजिनल इमेज में कोई चेंज करते हैं तो वो चेंज यहाँ पर हमारा अपने आप हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपडेट ऑटोमेटिकली पर टिक लगा देते हैं। अलर्ट बिफोर अपडेटिंग पे क्या करेगा, एक बार ये आपसे पूछेगा कि हम अपडेट करें या ना करें। अनलिंक कर देंगे तो इस ओरिजिनल फाइल से इसका संबंध खत्म हो जाएगा, वहाँ कोई भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ओरिजिनल फाइल पे जाते हैं, विंडोज़ डी दबा के मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है। यहाँ से इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ पे जाऊँगा, ओपन विथ से यहाँ पर मैं इसको पेंट से खोलूँगा, ऐसे सॉफ्टवेयर से खोलूँगा जहाँ पर मैं काम करना जानता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ हल्की सी एडिटिंग कर दूँगा। एडिटिंग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इस पर ब्रश यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब मैं इसको सेव करके बंद कर लूँगा। वापस क्या करते हैं, यहाँ पेज मेकर पे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इमेज में कोई फ़र्क अभी यहाँ पर नहीं आया है। हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, लिंक्स मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ देखिए आपका एक बटन जो अपडेट और एक्टिवेट नहीं था, अब वो एक्टिवेट हो गया है। अब चूंकि यहाँ इमेज दोनों एक ही हैं इसलिए यहाँ पर अपडेट ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर यहाँ अलग अलग इमेजेस होती और सब में थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया होता तो अपडेट ऑल का ऑप्शन आपका आ जाता। अब सिंगल इमेज पर चेंज किया है, आप जैसे ही यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है वो इमेज में चेंज हो गया है। अब हमने इस इमेज पर चेंज किया था तो इसलिए यहाँ पर चेंज दिखाई पड़ रहा है, इस पर नहीं किया है अपडेट तो यहाँ पर अपडेट हमारा नहीं आया है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको किया। तो ये था आपका लिंक्स मैनेजर और प्लेस का काम। अब यहीं पर हम आपको क्रॉप टूल के बारे में ही बता देते हैं। जैसे हमने इस इमेज को जो है इंसर्ट करा लिया है और इसको हमको कुछ हिस्सा इसका काटना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये हमारा उतना पोर्शन क्या होगा कट जाएगा। तो ये होता है आपका क्रॉप टूल का यूज़। अगर आप क्रॉप टूल को रिवर्स ऑर्डर में जो है उसको लेते हैं तो आपकी इमेज वापस आती चली जाती है। वो भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।